मिट्ठू मार्शल जी का, ये अवधेश प्रेमी जी का, धनंजय जी का, ज्यादा ध्यान जो है सुभाष कुमार राजा जी पे कहे रहता है। अवधेश प्रेमी जी, धनंजय धड़कन जी, सब झगड़ा उगड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और अभी आप देख रहे हैं तुरंत जंक्शन। अभी जो मेरे साथ शख्स बैठे हुए हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ना जाने इन्होंने अपने कलमों के ताकत से कितने लोगों को सुपरस्टार बना दिया है। ये बड़े भैया राइटर आदित्य राज जी हैं। सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। और जितनी भी ये तुरंत जंक्शन जो भी देख रहे हैं जी, आप सबों को दिल से धन्यवाद। और हमारे आपको भी धन्यवाद कि कम से कम आपके इस जंक्शन के माध्यम से हमें हमारे श्रोता सबों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि आप राइटरी कब से कर रहे हैं, मतलब कितना दिन हो गया? लमसम हमको राइटरी करते हुए 2004 से करता हूँ मैं। अच्छा 2004 से करता हूँ, 4 या 5 से। ऐसे तो आपने काफ़ी सारे लोगों को सिंगर सुपरस्टार बना दिया है। हमने सुपरस्टार और स्टार नहीं बनाया है, क्योंकि सुपरस्टार बनाना और स्टार बनाना हम लोगों के इंसान के बस का नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑडियंस जो है, जो श्रोता है, जो दर्शक हैं, वो जिन्हें आशीर्वाद देते हैं वो हीरो हैं, और उन लोगों का आशीर्वाद जिसके लिए कम हो जाता है वो जीरो है। तो सबसे बड़े स्टार हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता लोग हैं, इनसे बड़े स्टार हम लोग नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा, आप सबसे पहला गाना किन सिंगर को दिए थे? देखिए, सबसे पहले हम जो है, हमने अपनी शुरुआत की थी, तो अब आप शुरुआती दौर पूछ रहे हैं, इसलिए शुरुआती दौर बता रहा हूँ जी जी। कि मैंने ये कलाकारी शुरू की है अपने गांव में, पहले कीर्तन भजन वगैरह जो मंदिर में गाते हैं लोग उस तरह से, और धीरे 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 तब हमने सिंगरों को गाना देना शुरू किया, है ना, लिखना शुरू किया, और धीरे 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 कलाकारों को देना शुरू किया गाना, और उसके बाद जो है पब्लिक का धीरे धीरे हमें प्यार मिलने लगा, और आज मातेश्वरी की कृपा है कि आप सबों के बीच पब्लिक का प्यार पाता हूँ। वो कौन सा पहला गाना था जिससे आदित्य राज को पहचान मिला? लिखने के लिए तो बहुत बहुत सारा, ढेर सारा गाना है, है ना, बट हमारी हमको सबसे ज़्यादा अगर उपलब्धि मिली है हमारी रचना से, तो वो है सुभाष राजा जी का, सुभाष कुमार राजा जी का सॉन्ग। सबसे पहला गाना आपका? सबसे पहले हम जिससे आपको मतलब पहचान मिला इंडस्ट्री में, जो सबसे मतलब पहला गाना आपका फेमस गाना? फेमस गाना सबसे पहला मेरा फेमस हुआ, वो वैसे तो मैं बहुत पहले से लिखता हूँ, लेकिन फेमस हुआ मेरा बिरजाभार फेमस हुआ। और ऐसे तो वो गाना सिंगर के ही मुंह से सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आप भी गुनगुना दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे भी सावन का महीना चल रहा है और बेहतरीन गाया है सुभाष जी ने, बहुत बेहतरीन गाया है, और हमारे दर्शक जो भी हैं काफ़ी स्नेह आशीर्वाद मिला है उस गाने को, बाबा भोले की कृपा। और हम तो कहेंगे कि थोड़ा सा चूँकि गला फंसा पड़ा है, हाँ। दो चार दिन जागरण हो गया है, हाँ। किसी काम को लेकर के तो गला पूरा फंसा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, हाँ। हरे भांग पी भकुवैले कांवरिया, अरे धतू रखाई बउराई हो, अरे गाजा पीके श्री मस्त भैले आ धैले देवघर के राह हो, ए किया हो रामा धैले हो डगरिया हई कामरिया चले राम।
यही है। और कहाँ से ये माइंड में आया कि हम ये गाना बना देंगे? ये सोच सोच जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप, मेरा ये मानना है कि आप जिस संगति में रहेंगे आप पे असर उस संगति का होगा ही, होगा ही हाँ। चाहे कोई भी हो। तो हम लोग सारे जो भी कलाकार हैं जब एक साथ बैठते हैं तो संगत का असर होता है, और तब एकाएक बातचीत के दौरान सब हुआ कि सब कुछ तो नया होता ही है, लेकिन कुछ पुराने को नया किया जाए, पुरानी चीज़ है, पुरानी परंपरा है, तो हम लोगों ने सोच करके इसको और मार्केट में बदल दिया। जी जी जी। रही बात कि आप कौन कौन से सुपरस्टार सिंगर को गाना दिए हैं? मैं अधिकतर सुभाष कुमार राजा जी का लिखता हूँ, और अवधेश प्रेमी जी को भी मैंने गाना दिया है, मिट्ठू मार्शल जी भी मेरा गाते हैं गाने, धनंजय धड़कन जी भी गाए हैं, है ना। खास करके मैं इन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा लिखता हूँ, और जो भी नए लोग हैं, नए कलाकार की सर मेरा भी आदित भी है, मेरा भी एक आध लिखी है, तो मैं लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर मैं सुभाष जी का, सुभाष कुमार राजा जी का, मिट्ठू मार्शल जी का, ये अवधेश प्रेमी जी का, धनंजय जी का, इन्हीं लोगों का। सभी लोगों को आप गाना देते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा ध्यान जो है सुभाष कुमार राजा जी पे कहे रहता है? ज़्यादा ध्यान, देखिए ज़्यादा ध्यान और कम ध्यान की बात नहीं होती है, एक उसको आप कह सकते हैं कि आपस में जब एक साथ आदमी रहता है तो रहते रहते एक दिल दिल से अजूबा लगाव होता है, और वो अजूबा लगाव हमें सुभाष जी से है, ये सच्चाई है। और ज़्यादा और कम ध्यान देने की बात नहीं है, सभी लोग बजते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सुभाष जी कम हैं या और कोई वो है, सभी लोग बजते हैं और कलाकार के नज़र में सभी बराबर हैं। हाँ ये चीज़ है कि सुभाष जी के साथ मेरा कुछ ज़्यादा जो है ना वो होता है, क्योंकि हम लोग की ट्यूनिंग बनी है, सबसे बड़ी चीज़ ट्यूनिंग की है, तो ट्यूनिंग हम लोग का आपस में जमता है ना, और आज पब्लिक का प्यार भी मिलता है, दर्शक अपना आशीर्वाद प्यार देते हैं हम लोगों को, है ना। बाकी वैसी कोई बात नहीं है कि फलनवा को कम है और चिलनवा को, इसमें कोई वो नहीं है, ये ट्यूनिंग की बात है। अवधेश प्रेमी जी, धनंजय धड़कन जी, सब सबसे बनाव है, झगड़ा उगड़ा ना 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 ना, अरे हम तो हम जो है मस्त मौला आदमी हैं, हम सब सभी लोग हमारे भाई हैं और सभी से प्यार करते हैं, है ना, सबसे लगाव है।